जय भीम साथियों, अचानक से लाइव आना पड़ा। उसका कारण ये है कि हम लोग न्याय चाहते हैं और न्याय की मांग को मजबूती से कर भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह का रवैया जो है उत्तर प्रदेश सरकार का है, उत्तर प्रदेश पुलिस का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मैसेज देना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था। मैसेज यही है कि बहुत लंबे समय से ये अन्याय अत्याचार जो हैं दलित समाज पे तो हो ही रहे हैं, लेकिन बहन बेटियों पर ज़्यादा हो रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि अपराधियों पर कानून का कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है उनको, जिसका खामियाजा जो है हर बार बहनों को अपमानित होकर बेइज्जत होकर चुकाना पड़ रहा है। जैसे मैंने कहा कि अगर कहीं भी अन्याय होता तो वो न्याय के लिए खतरा बन जाता है, उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य प्रदेश हो, सभी जगह पर कमजोर वर्ग के लोगों का जिस तरह शोषण किया जा रहा है। मैं अगर बात हाथरस की घटना करूँ, पहले अगर शुरुआत हाथरस की घटना से करूं क्योंकि बड़ी घटना है, जब तक जिंदा थी तब तक तो न्याय नहीं मिला। अब वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमारी बहन वो बाबा साहब की श्रेणी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी न्याय की आवाज़ कमज़ोर ना पड़ जाए, उसके साथ अन्याय ना हो, ये हर उस भाई की जिम्मेदारी बैठती है जो बहनों से प्यार करता है। और पूरा देश और दुनिया में ये एक रिश्ता है बहन भाई का, जिसको दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। तो आज मैं अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि मेरी जो बहन है, मैं नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि मुझे अधिकार नहीं है, जब तक उसको हम लोग न्याय नहीं दिला देंगे, हाथरस की हमारी पीड़िता बहन, बलरामपुर की हमारी पीड़िता बहन, बुलंदशहर की हमारी पीड़िता बहन, आजमगढ़ की हमारी पीड़िता बहन, मेरठ की हमारी पीड़िता बहन, ये तमाम जो पीड़ित बहन हैं जिनके नाम बदले हैं, जिलों के नाम बदले हैं, कि अत्याचार एक जैसा ही है, उन सब को न्याय दिलाना हम सब लोगों की जिम्मेदारी। आप ये महसूस करिए कितनी पीड़ाएं उसने जो है सहन की गई होंगी और कितना दर्द जो है उसने सहा होगा। मैं अपील करता हूं दुनिया में रहने वाले, भारतीय संविधान को मानने वाले और उन लोगों से जो इस रिश्ते की कदर करते हैं, जो बहनों की माता, मैं उन सब लोगों से ये निवेदन करता हूं कि ये लड़ाई न्याय की है। और आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, क्योंकि पहले भी आपने मेरा साथ दिया हमेशा, जब भी मैंने देश में होने वाले किसी मामले के आंदोलन की आवाज़ उठाई, तो दुनिया में रहने वाले हमारे संतों महापुरुषों गुरुओं को मानने वाले, चाहे संत श्रोमण सतगुरु रविदास जी महाराज के अनुयायी हों, भगवान वाल्मीकि महाराज के अनुयायी, संत कबीरदास जी महाराज के अनुयायी हों, गुरु नानक देव महाराज के अनुयायी हों, या बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले तमाम लोग हों जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं, या भारतीय संविधान से प्रेम करने वाले, या भारत देश से प्यार करने वाले वो जो तमाम लोग हैं जो दुनिया में कहीं भी रहते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार बैठकर किसी तरह इस मामले को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। हमें इस बहरी सरकार को जगाने के लिए आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। इसलिए आप जहां रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश के में जो भारतीय दूतावास है, उस भारतीय दूतावास के दफ्तर में जाके आप लोग ज्ञापन दें, वहां आंदोलन करें, वहां आवाज उठाएं। यहां भारत के अंदर किसी की सरकार हो, मामले सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, मामले तो राजस्थान मध्य प्रदेश में भी हैं, मामले तमाम जगह हो रहे हैं, मामले हरियाणा में भी हैं, झज्जर का भी मामला है, राजस्थान का भी मामला, सरकार किसी की हो, लेकिन यहाँ अन्याय हो रहा है, यहाँ जुल्म जाति हो रही है, और ये जुल्म जाति इस देश के लिए यहाँ रहने वाली
महिलाओं के लिए, बहनों के लिए खतरा है, तो हमें इसकी आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। मैं अपील करता हूं कि इस आंदोलन को, क्योंकि मैं नहीं चाहता फिर किसी मनीषा के साथ ऐसा हो, फिर किसी मेरी बहन के साथ ऐसा हो, फिर किसी पीड़िता के साथ ऐसा हो, फिर किसी की बच्ची के साथ ऐसा हो। इसलिए आप जहां भी रहते हैं दुनिया में, वहां से इस सरकार को, निकम्मी सरकार को, बैरी सरकार को, जिनके प्रधानमंत्री, जिस सरकार के प्रधानमंत्री हैं, वो है तो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन आज वो जो है सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, उनको नई दलितों की जो है लुटती अस्मिता, उन पे हो रहे अन्याय को नहीं दिख रहा है। मैं इस बात से दुखी होकर लाइव कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप तमाम लोग जो हैं दुनिया में किसी भी देश में रहते हैं, शहर में रहते हैं, वहां की जो दूतावास है, उस दूतावास पर जाकर आप न्याय की मांग को मजबूत करें, जिससे बहरी तानाशाही गूंगी सरकार को सुनाई दे और ये बोले, अगर आज हम लोग चुप रहे तो फिर कल किसी और के साथ ऐसा होगा। मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि यहां इस मामले को खत्म करने के लिए तमाम लोगों को वहां जाने से रोका जाता है, नजर बंद कर दिया जाता है, पीड़ित परिवार को डराया धमकाया जाता है, मानवता को कलंकित कर दिया जाता है। एक माँ अपनी बच्ची से, जिसके साथ जिंदगी होती है, उसको देख नहीं पाती, उसको गले नहीं लगा पाती, उस माँ का दर्द महसूस कीजिए। मैं नौजवान साथियों कहना चाहता हूँ कि आप बहन बेटी वाले, आप उस दर्द को महसूस किए जो ये जो जो उसके उस पीड़िता के भाइयों ने, हम सब लोग उसके भाई हैं। अरे बहनों की जाति धर्म नहीं होता, लेकिन इस देश में दलित होना पाप है, अभिशाप है। मैं अपील करता हूं आप सब लोगों से इस आंदोलन को कमजोर ना पड़ने दें। अगर ये आंदोलन कमजोर हुआ तो ये बहसी दरिंदे कल किसी और बहन की तरफ जो है इसी नजर से देखेंगे और उसको नोचने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे आप लोग कल? क्या अपनी बहन बेटियों को तालाब लगा के जो है बंद करके रखेंगे, या ऐसे दरिंदों को सजा दिलाने का काम करेंगे? फैसला आपका है। आप दुनिया में बैठे लोग देख रहे हैं, ये मौका है इस देश में जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति महिलाओं पर हो रही है, गरीबों पे, शोषितों पे, मजलूमों पे, वंचितों पे हो रही है, उसको रोकने का। यहाँ की सरकारें न्याय देने में असफल हो रही है, क्योंकि उनका न्याय देने का ना नियत है ना मन है। यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जो न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि न्याय के प्रति उनकी भूमिका बिल्कुल नहीं है। और जिस तरह से एविडेंस मिटाने का काम किया गया पीड़ितों की असहमति के बाद, फूल की तरह पालते हैं एक माँ बाप अपनी बच्ची को और पलकों पर रखते हैं भाई उसको, उसकी आंख से आंसू नहीं निकलने देते, कितनी दरिंदगी जो है यहाँ बहनों के साथ हो रही है। और ऐसे नीच लोगों की जो जमानत की बात करते हैं, ऐसे नीच लोगों की जो हितेशी होने की बात करते हैं, उनके मानव होने पे मुझे शक है। ये मुझे कड़े शब्दों में कहना पड़ रहा है कि महिलाओं पे अत्याचार करने वाले पुरुष नहीं हो सकते, नपुंसक हो सकते हैं। जैसा अपराध किसी की बेटी के साथ करते हैं, अगर वो अपराध किसी कारण से आपके परिवार में किसी के साथ हो जाए तो कैसा महसूस होगा आपको? ये जो दरिंदगी है, ये जो हैवानियत है, कहां से लाते हैं? किस मुंह से अपनी बहनों का और माताओं का सामना कर पाते हैं? किस तरह उनसे आंख मिला पाते हैं ऐसी दरिंदगी करने के बाद? आप जो ये जो लोग हैं ऐसे, तो मैं मांग करता हूं और अपील करता हूं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से, जहां भी आंदोलन हो उस आंदोलन में शरीक हो, अपनी मांग को मजबूत करें। इस पूरी घटनाक्रम की सीबीआई जांच होनी चाहिए, आरोपियों को बचाने का प्रयास किया जाए, जो अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं उनको जो है उन पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, जिससे कि और कोई अधिकारी ऐसा ना करे। फिर इस उत्तर प्रदेश में जहाँ जंगल राज है, वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं गारंटी देता हूं कि 2 दिन के लिए कुर्सी आप मुझे दे दें, और मैं देखता हूं कि कोई अपराधी, ऐसा अपराध सोचने वाला भी जो है अगर चैन से सो जाए। लेकिन क्योंकि हमारे लोग अभी समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं, वो बटे हुए हैं, इस वजह से जो है
ये थोड़े से लोग सत्ता में बैठे हैं और सत्ता में बैठ के हमारे लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ पूरी दुनिया में रहने वाले शोषित वंचित कमजोर तबके के लोगों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, युवा साथियों से, इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी नहीं दुनिया में सबसे बड़ा आंदोलन बनाने के लिए संघर्ष करें। यहाँ दलितों का रहना अहमियत रखता है, तो मेरी इस मांग को बल दें। आप जिस गांव शहर में उत्तर प्रदेश और देश के अंदर रहते हैं वहाँ कैंडल मार्च करें, रोज कैंडल मार्च करें, रोज ज्ञापन दें, रोज आंदोलन करें, संवैधानिक दायरे में आंदोलन करें, जिससे कि ये न्याय की आवाज़ बुलंद हो। और अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम पे और भी रास्ते हैं। आप लोग इससे जुड़े रहिएगा, आने वाले समय में सरकार अगर हमारी मांग नहीं मानती तो उसके लिए और कड़े फैसले जो है लेने के लिए हम लोग मजबूर होंगे। लेकिन याद रखिए, और किसी बहन के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमें एकजुट होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। मेरी इस अपील को प्रत्येक घर तक पहुंचा दीजिए। ऐसा देश नहीं चाहा था शहीदों ने। ये तो आज के हालात अंग्रेजों जैसे हालात हो गए हैं, जहां व्यक्ति अन्याय अत्याचार के खिलाफ बोल नहीं सकता है, जहां व्यक्ति अन्याय अत्याचार के खिलाफ न्याय की मांग नहीं कर सकता। न्याय की मांग करेगा तो उसको लाठी मिलेगी, उसको मुकदमा मिलेगा, उसको दबा दिया जाएगा, उसको नजरबंद कर दिया जाएगा। तो मेरी आपसे ये अपील है, एक भाई होने के नाते, करोड़ों बहनों का भाई होने के नाते, करोड़ों माताओं का बेटा होने के नाते, तमाम शोषित वंचित समाज की आवाज़ होने के नाते, कि अब हमें चुप नहीं रहना है। जब तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देगा, जब तक प्रधानमंत्री जो है पीड़ित परिवार के न्याय की आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, जब तक ऐसे अधिकारी कर्मचारी बर्खास्त नहीं होंगे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और एक लोगों ने का एक संदेश आता है कि साहब 25 लाख रुपए सरकार ने दिए हैं। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि अपराध को बचाने के लिए प्रशासन के लोगों ने लिए हैं, वो मुंह खोलकर बताए, उनके वजन के बराबर पैसे जो है हम लोग देने का काम करेंगे। लेकिन इस देश में अगर हमारे लोग साथ अन्याय होगा, हमारी बहनों के साथ अन्याय होगा, फिर न्याय नहीं मिलेगा, तो हम लोग अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। लेकिन इस देश में महिलाओं को के प्रति जो है सुरक्षा की भावना महिलाओं के अंदर आ गई है, उस असुरक्षा की भावना को ख़त्म करना पड़ेगा। मेरी बहुत बहुत मंगल कामना आप सब लोगों को, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन को जारी रखिए। आपकी द्वारा उठाई गई आवाज़ किसी एक बहन की कर सकती है। अपने आसपास कहीं भी अगर ऐसे भेड़िए हों तो ऐसे भेड़ियों को सबक सिखाइए। हम बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया है। हम तमाम दुनिया में रहने वाली बहनों का सम्मान करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगा देंगे। हम उन अन्याय अत्याचार जैसे नहीं जो अपराधियों का साथ दे रहे हैं जाति की वजह से। हम न्याय प्रिय लोग हैं, हमारे संतों महापुरुषों गुरुओं ने हमें न्याय करना सिखाया, महिलाओं का सम्मान करना सिखाया। आप तमाम तरह के आरोप जो है लगाइए हमारे ऊपर, लेकिन हम लोग लड़ेंगे और अपनी बहन को न्याय दिला कर रहेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और तमाम साथियों को जो कर रहे हैं उस बहन की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, जैसे कि कल किसी बहन के साथ ऐसा ना हो। अगर घटनाओं के बाद जागोगे तो फिर ये जो है मसाल और कैंडल लेके निकलना पड़ेगा, लेकिन अगर पहले जागे रहेंगे तो फिर ऐसा किसी के बहन के साथ नहीं होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।